जैन साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिनेशर आईटी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती के संबंध में। क्योंकि आपको अभी मालूम नहीं है कि किस ग्राम पंचायत में कितने सचिव के रिक्त पद हैं, कितने रिक्त पद नहीं है, कहाँ से आपको देखना है, किस पोर्टल से आपको देखना है, वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दूसरी बात है कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन होंगे वो किस पोर्टल से होंगे, वो भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत जल्द भर्ती आने वाली है और आप सभी लोगों के पास चूँकि पता है कि आप इसमें जो 12वीं पास है, यदि आप लोग हैं तो आवेदन कर पाएंगे। पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं, वीडियो किसके अपना करें, वीडियो पूरा देखें। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, नए आए, तो आप लोगों से हमारा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन या जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सके। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं पहले हम कि आपको किस पोर्टल से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चले आते हैं गूगल पर। यहाँ पर हमने कर लिए गूगल, यहाँ पर लिखेंगे हम पंचायत दर्पण। जैसे ही हम पंचायत दर्पण लिखेंगे, यहाँ पर जाएगा होम पेज पंचायत दर्पण, ठीक है, लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसकी जो होम पेज है वो हमारे सामने आ जाती है। अब आप बोलेंगे सर आवेदन कहाँ से करना है, तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो आज पंचायत सचिव का जो आवेदन होगा वो इसी पोर्टल के माध्यम से आपका होगा। यहीं से आपका ऑप्शन आएगा अप्लाई करने का, तो यहीं से आप लोग अप्लाई कर सकेंगे, उसकी स्थिति दे सकेंगे, एडिट कर सकेंगे, सभी आप लोग जितने भी काम होंगे उस संबंधित वो यहाँ से कर सकेंगे। यहीं पर आपका जो पोर्टल ऑप्शन यहाँ पर आने वाला है। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको कहाँ से किस पोर्टल से आवेदन करना पड़ेगा। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं कि जो ये भर्ती के संबंध में नोटिस कहाँ पे आया हुआ है। तो हमने संबंध पहले वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी पंचायत सचिव भर्ती संबंध में, क्योंकि ये इसका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, आप लोग ये डाउनलोड कर लेना। देखिए, ये 22 अगस्त को यहाँ पर जारी हुआ था और यहाँ पर मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती के संबंध में यहाँ पर नियम जारी हुआ था। और इसमें जो योग्यता क्वालिफिकेशन देखिए, उन्होंने ही बताया कि किस पोर्टल से यहाँ पर उन्होंने बताया था आप लोगों के लिए। फिर मैं आपको बताऊँ कहाँ से आप लोग चेक करनी है। देखिए, यहाँ पर बताया कि जो रिक्त पदों की जो पूर्ति होगी वो ऑनलाइन के माध्यम से होगी। चूँकि कहाँ से होगी, चूँकि विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। मतलब पंचायत दर्पण पोर्टल जो मैंने बताया उस पोर्टल के माध्यम से आगे भर्ती होनी है। और जिले की जो थी वो आपको यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी जिले बार, ठीक है ना। तो आप कहाँ पर जिले की देखनी है वो बता देता हूँ। और यदि आप लोग 12वीं पास हैं तो आप लोग बिल्कुल जिसमें लिखा हुआ है उच्चतर माध्यमिक, यानी आप लोग 12वीं पास हैं तो आप लोग बिल्कुल इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने क्वालिफिकेशन बता दी। अब हम बात कर लेते हैं अब कहाँ से आपको चेक करना, कहाँ से देखना है। तो वीडियो जरूर आप लोग लाइक कर दें, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पे आओगे और आप लोगों का यहाँ पर देख जाएगा ग्राम पंचायत, देख रहा ना, ग्राम पंचायत, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर करोगे व्यू पर क्लिक। जैसे यहाँ पे व्यू पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका डालना पड़ेगा जिले का नाम, किस जिले से आप आते। तो मैंने मालूम कर दिया, ठीक है, ये जिला कर दिया मैंने, विदिशा में कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कर लिया, यहाँ पर इसमें आपको डालना पड़ेगा फिर ग्राम पंचायत, ठीक है, कि किस ग्राम पंचायत से आप आते हो। मैं ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर चुनना पड़ेगा आपके पंचायत का नाम, तो मैं यहाँ पर जो पंचायत है वो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इस पर मैंने सेलेक्ट कर लिया पंचायत, यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, देखिए मेरे सामने लिस्ट आई उस। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो मेरे सामने इस तरह का ये ओपन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग जैसे ही जाओगे यहाँ पर देखता जो ग्राम का नाम है वो यहाँ पर आ चुका है, और जो यहाँ पर जो सरपंच उनका नाम आ चुका है, जो यहाँ पर सचिव हैं, ये जो सचिव हैं जो ग्राम पंचायत सचिव जो भर्ती होनी है उनका नाम यहाँ पर देख रहा है। मतलब इस पंचायत में यहाँ पर सचिव हैं, ठीक है। और जहाँ पर सचिव निरंक होगा, निरंक लिखा होगा, निर लिखा होगा, मतलब वहाँ पर सचिव नहीं है, मतलब वहाँ पर भर्ती होनी है। तो आप लोग यहीं से आप लोगों को देखना, और यहाँ पर आप रोज का साइट की देख सकते हैं, तो आप लोगों को यहीं पर जा कर देखना है पूरा उस क्षेत्र के अंदर। दूसरा भी देखना आप यहीं पर जाओगे, तो आप लोग जिसके गांव की देखना, आप लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे व्यू पे, तो आपके सामने पुलिस स्टैंप आ जाएगी। तो आप लोगों को यहीं पर जाकर देखना है, तो ताकि आप लोग जानकारी मिल सके। और वहाँ की इसके जो नोटिफिकेशन आया था, तो हम कह देंगे हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लें पूरा नोटिफिकेशन, क्या क्या योग्यता लिखी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोग कब से। और आप लोग बोलोगे सर इसके आवेदन कब से, तो देखिए इसके आवेदन बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले, क्योंकि जो जो इसका जो संशोधन पत्र है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। अब जैसे ही बहुत जल्द इसके जैसे जाएंगे, जहाँ तक आपका अक्टूबर के अंदर आपकी जो भर्ती हो, मतलब इसका जो आवेदन है वो सितंबर में प्रारंभ हो जाएंगे। तो बड़ी खुशखबरी की बात है, जहाँ पर रिक्त पद है वहाँ पर आप लोग देख लें जिस किस पंचायत में किस में नहीं है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आज की। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैनल के साथ। आप सभी लोगों का हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं पहली बार आए चैनल को करें सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, थैंक्स।